हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 134 ब्लॉक 1 यूनिट 2, दैट इज बेसिक कंसेप्ट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ पावर एंड सिक्योरिटी। तो इसके इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। तो हम आ जाते हैं द आइडिया ऑफ नेशनल पावर। ठीक है, अब इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं अलग अलग लोगों के। वैसे तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव थे, मैंने कुछ लोगों के ही लिखे। आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप टेक्स्ट से ऑब्वियसली पढ़ सकते हो, नो इशू। मैं कुछ लोगों के बता देती हूँ, ठीक है। तो हैंस मॉर्गेंथाउ, ठीक है, मॉर्गेंथाउ का मानना ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप होती है। मतलब जो नेशनल पावर है वो एक साइकोलॉजिकल रिलेशन है उनके बीच में, जो पावर को एक्सरसाइज करते हैं और उनके बीच में जिनके ऊपर पावर का एक्सरसाइज होता है। ठीक है, मतलब जो रूल करते हैं और जिनके ऊपर रूल होती है उन दोनों के बीच का एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मर है, मतलब जो रूल करता है उनको कंट्रोल देता है, जिनके ऊपर वो रूल करते हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल देता है। ठीक है, वही अगर आप जॉर्ज की बात करो तो उनका ये मानना है कि जो पावर होती है वो एक कैपेसिटी होती है कि इंसान अपनी चाहत दूसरों पर किस तरीके से थोप सकता है, इम्पोज कर सकता है किस तरीके से। ठीक है, वो भी इफ़ेक्टिव सैंक्शंस का या नॉन कम्प्लाइंस वगैरह, मतलब कोई इनकार ना कर सके उस तरीके से। वही अगर आप AF के ऑर्गन्स के इसका देखते हो तो वो ये बोलते हैं कि नेशनल पावर एक एबिलिटी है कि आप किस तरीके से किसी दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी एंड से। मतलब आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से दूसरों के बिहेवियर को चेंज कर देना, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंस कर देना। तो वही मोड, अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना आप टेक्स्ट में जा सकते हो, डिटेल्स में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर के ऊपर। तो सबसे पहला एलिमेंट है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी को सबसे ज़्यादा स्टेबल डिटर्मिनेंट्स माना जाता है या सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइज़ होती है, जो लोकेशन, क्लाइमेट, टॉपोग्राफी, बाउंड्रीज, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है या ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जब आप ज्योग्राफी का स्टडी करते हो एज अ नेशनल पावर। और ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इंडिया का एकदम से लोकेशन ही चेंज हो गया, ये चीज़ें नहीं होती है इसलिए। अब हम आ जाते हैं नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक सेल्फ सफिशिएंसी होता है डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब अगर किसी भी कंट्री के पास जो रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, या जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर वो इतनी मात्रा में है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनको परचेज नहीं करना पड़ता है कहीं और से, उनको मतलब इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है, तब वो कंट्री डेवलपमेंट के फेज़ में एक्चुअली माना जाएगा। इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक आप मिनरल्स में बात करते हो तो कोल, पेट्रोल एक्सेट्रा हो सकती है। नेचुरल प्रोडक्ट्स की आप बात करते हो तो रबर, बैम्बू एक्सेट्रा। एनिमल प्रोडक्ट की आप बात करते हो तो मीट, मिल्क, सिल्क एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाएंगी। ठीक है, थर्ड फैक्टर इज़ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और जो डिसिप्लिन, एम्प्लॉयड, लिटरेट, जो पढ़ा लिखा स्किल्ड पॉपुलेशन होती है वो डेवलपमेंट और पावर को और ज़्यादा फैसिलिटेट करती है और ज़्यादा इम्प्रूव करती है। वही अगर एक वीक या फिर आप बोल सकते हो जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं है, लिटरेट नहीं है, स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है, तो फिर वो कंट्री हमेशा डिट्रॉयट होती है, वो हमेशा कंट्री लोअर में ही जाते हैं, मतलब खराबी होती है उनकी, उतनी डेवलपमेंट नहीं होती, उतनी पावर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक ये एक ऐसी चीज़ है, लाइक एक डेवलप्ड, हेल्दी, प्रॉस्परस या एक ग्रोइंग नेशन की अगर आप बात करो तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो रही है, हेल्दी नहीं है या फिर ग्रो नहीं कर रही है तो फिर उनका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी बहुत मैटर करती है कि किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कितना है। जितना ज़्यादा अच्छा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उतना ज़्यादा अच्छा वैसा माना जाता है कंट्री को। उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, कितना अच्छा टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहे हैं चीज़ों में, उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कैसी है कि जो भी मिलिट्री उनका है, ठीक है, जो भी
मिलिट्री में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उन्होंने किस हद तक या कितना उस चीज़ को सहयोग कर मतलब कितना ज़्यादा सहेज के रखा हुआ है, ठीक है, कितना ज़्यादा उन्होंने प्रिपेयर किया अपने आप को उस चीज़ के लिए, ताकि जब भी कोई अटैक होता है या किसी भी सिचुएशन में वो खुद को स्टैंड कर सके, ठीक है। देन उनकी आइडियोलॉजी मैटर करती है कि किस तरीके की आइडियोलॉजी वो फॉलो करती है, उनकी लीडरशिप मैटर करती है कि उनके लीडर्स कौन है, वो किस तरीके की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, किस तरीके के प्रिंसिपल्स के बेस पे देश को चला रही है ऑर्गेनाइजेशन, या जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट होती है वो भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत मैटर करती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट है, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा नाम होगा, ठीक है। वही आप नेशनल कैरेक्टर या मोरल की बात करते हो, तो इसका मतलब वो होता है जो भी ट्रेट्स, एटीट्यूड या एप्टीट्यूड होता है लोगों का, मतलब फॉर सपोज अगर इंडियंस के मामले में देखा जाए तो इंडियंस को उनकी टॉलरेंस, उनकी रिलीजियस बिलीफ या उनकी आइडियलिज्म को लेके जाना जाता है। वैल अगर आप अमेरिकन्स की बात करते हो तो उनकी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर जो है, उनकी इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ों के बारे में जाना जाता है, ठीक है। डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री का कैसे डिप्लोमेटिक पावर का वो यूज़ करते हैं, वो सॉफ्ट पावर का यूज़ करते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं, वो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेशनल पावर के अंदर में आती है, ठीक है। अब अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नेशनल पावर की इफ़ेक्टिवनेस जो है उसको कम करती है। सबसे पहले तो जो बैलेंस ऑफ पावर है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो एक चेक रखती है हमेशा एक दूसरे पे, ताकि जो भी स्टेट है एक दूसरे स्टेट को वो प्रिवेंट कर सके कि वो एक दूसरे की बैलेंस में डिसरप्शन का काम ना करे, ठीक है, मतलब बैलेंस ख़राब ना करे। दूसरी चीज़ है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्होंने कुछ रूल्स वगैरह सेट कर रखी है, बॉडी ऑफ रूल्स, जिससे वो रेगुलेट करती है उस रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड है जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है, वो स्टेट की अगर आप बात करें, मतलब ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है वो फोर्स करती है स्टेट को, ताकि वो एक पब्लिक पॉलिसीज वगैरह बनाए उन स्ट्रॉन्ग पीस मूवमेंट्स के साथ, लाइक जैसे कि जो राइट ऑफ एथनिक ग्रुप्स वगैरह है, माइनॉरिटीज़ कैंपेन्स वगैरह है, जो भी सेक्शुअल अब्यूज़ को लेके प्रॉब्लम या फिर आती है, या फिर जो भी उनके भी मतलब उनके अगेंस्ट जो कैंपेन वगैरह होती है उनके साथ, मतलब उनका सहयोग करें कहीं ना कहीं, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी भी आती है इसके अंदर में, कि किस तरीके से कलेक्टिवली आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो एक दूसरे को, आप अटैक नहीं कर रहे हो एक दूसरे पे, आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज़ आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्ममेंट, क्योंकि अभी भी के भी टाइम में कई सारे, इवन वॉर के टाइम में भी ये कई बार हुआ है कि डिसआर्ममेंट या आर्म्स कंट्रोल है, कि हर किसी कंट्री के पास कितनी आर्म्स हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती है, मतलब कितनी वेपन्स वगैरह उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशन सभी भी है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, तो ये नहीं होने चाहिए, तो वो नहीं होने चाहिए, तो कुछ उसमें भी ये चीज़ें कंट्रोल है, तो ये भी एक लिमिटेशंस की तरह काम करती है, ठीक है। बट लिमिटेशन एज ए नेशनल पावर, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एक लेवल पे, ठीक है, एक लेवल पे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू है, तो एक साइड में नेगेटिव, एक साइड में पॉजिटिव, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट को समझ लेते हैं, तो जो भी किसी भी नेशन का या किसी भी कंट्री का जो डिमांड होता है, उनकी जो गोल इंटरेस्ट या उनकी जो क्लेम होती है एक नेशन की, कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके, तो वो होता है नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसकी जो कॉम्पोनेंट्स का अगर आप देखो तो दो कॉम्पोनेंट है। सबसे पहला कॉम्पोनेंट होता है नेसेसरी, मतलब जो ज़रूरी कॉम्पोनेंट है या वाइटल कॉम्पोनेंट है, जिसके अंदर में आ जाता है हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल या फिजिकल, जो भी कंसीडर किया जाता है एज अ वाइटल, ठीक है। तो किसी भी कंट्री के सर्वाइवल के लिए स्टेट को, ठीक है, मतलब स्टेट अगर चाहती है कि अपने वाइटल कॉम्पोनेंट जो है उनकी कल्चरल, पॉलिटिकल या फिजिकल आइडेंटिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वॉर तक कर सकती है, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा कंपलसरी या नेसेसरी एलिमेंट्स है, ठीक है। वही अगर आप दूसरे की बात करते हो वेरिएबल या नॉन वाइटल एलिमेंट्स की, तो ये वैसे होते हैं लाइक डिसीजन मेकर्स, पब्लिक ओपिनियन, पार्टी पॉलिटिक्स, ग्रुप इंटरेस्ट वगैरह होती है, और ये डिपेंडेंट होती है सरकमस्टेंसेस के ऊपर। इसके लिए वॉर होना ना होना वो चीज़ें डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा ये एडवर्स है, लेकिन
कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर में। तो नेशनल इंटरेस्ट के 6 टाइप के क्लासिफिकेशन है। पहला प्राइमरी इंटरेस्ट, प्राइमरी इंटरेस्ट के अंदर में आता है जो भी पॉलिटिकल, कल्चरल या फिजिकल आइडेंटिटी है जिसके ऊपर स्टेट कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, तो वो प्राइमरी इंटरेस्ट है, ठीक है। सेकेंडरी इंटरेस्ट में आता है जो भी सिटीजन्स जो अब्रोड रह रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, जो भी आउट ऑफ द स्टेट भी अगर हमारे कंट्री के लोग हैं तो वो किस तरीके से हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा सेकेंडरी इंटरेस्ट, ठीक है। परमानेंट इंटरेस्ट की अगर आप बात करते हो तो ये एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। फॉर सपोज एग्जांपल अगर आप देखो तो चाइना प्रिजर्व करती है अपनी हेजीमनी साउथ एशियन रीजन में, ठीक है, क्योंकि वो उनकी परमानेंट इंटरेस्ट है कि उस पर उनकी अपनी मतलब डोमिनेंस, अपनी हेजीमनी क्रिएट करनी है साउथ एशियन रीजन पे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वेरिएबल इंटरेस्ट, ठीक है। वेरिएबल इंटरेस्ट मतलब जो भी सर्कमस्टेंसेस या किसी भी सिचुएशंस के ऊपर चेंज होती रहती है, ठीक है, जो भी प्राइमरी या परमानेंट इंटरेस्ट है उसमें चेंजेस हो सकती है जो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, वो है वेरिएबल एलिमेंट, ठीक है। वही अगर आप जनरल एलिमेंट्स की बात करते हो या जनरल इंटरेस्ट की बात करते हो तो जो भी इंटरनेशनल पीस होती है, फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो हमारा जनरल इंटरेस्ट है क्योंकि वो सारी कंट्रीज़ को एक साथ देखना होता है, ठीक है। पीस भी सारी कंट्रीज़ को एक साथ देखना है, फूड सिक्योरिटी का मामला हो या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो सारी कंट्रीज़ एक साथ आके करती है, ठीक है। वही अगर आप स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात करते हो तो कोई भी पर्टिकुलर नेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें डिफरेंट होती है, लाइक राइट टू डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ये स्पेसिफिक है पर्टिकुलर, मतलब ये पर्टिकुलर नेशन को लेके हम ये इंटरेस्ट बनाते हैं, ठीक है, कि इस नेशन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, लाइक द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। तो राइट टू डेवलपमेंट उनका होना चाहिए, इन चीज़ों पे हम बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट, कि हम किस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा डिप्लोमेटिक मीन्स, ठीक है, डिप्लोमेसी। अब कंट्रीज नेगोशिएट कर सकती है, बार्गेन भी कर सकती है और कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकती है, इवन कोऑर्डिनेट भी कर सकती है कभी कभी कि अपने जो भी डिज़ायर्ड आउटकम्स है या डिज़ायर्ड आंसर जो उनको चाहिए, जो उनका इंटरेस्ट है उसको वो अचीव कर सके, ठीक है। किस तरीके से कर रही है वो उनके ऊपर है, मतलब नेगोशिएट करके कर रही है, बार्गेन करके कर रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रही है, वो उनके ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। अगर आप प्रोपेगेंडा की बात करते हो तो जो भी सिस्टमेटिक अटेम्प्ट होती है, मतलब कि किस तरीके से लोगों की माइंड को अफेक्ट करना है, लोगों के इमोशंस को, एक्शंस को किस तरीके से अपने फेवर में लेके आना है कि हम अपने स्पेसिफिक पर्पस को फुलफ़िल कर सके, ठीक है, तो ये है प्रोपेगेंडा। अगर आप इकोनॉमिक मीन्स की बात करते हो तो जो भी रिच या डेवलप्ड स्टेट्स या डेवलप्ड कंट्रीज़ वगैरह है वो अपने इकोनॉमिक एड या लोन्स के थ्रू अपनी इंटरेस्ट को एडवांस करते हैं, ठीक है, मतलब लोन्स के थ्रू वो हेल्प करते हैं किसी कंट्री को, देन उन कंट्रीज़ को उनको इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करना पड़ता है या कहीं ना कहीं उनसे जुड़ के रहना पड़ता है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट अपना फुलफ़िल कर सकते हैं उनसे। देन अलायंसेस एंड ट्रीटीज़ वगैरह के थ्रू भी होता है, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है अलाइड कंट्रीज़ के थ्रू कि वो कॉमन गोल्स के ऊपर काम करेंगे, जो भी ट्रीटीज़ वगैरह साइन होती है या अलायंसेस साइन होती है तो उसमें ये चीज़ें फिक्स की जाती है कि ये कॉमन गोल है हमारा और इस चीज़ पे हम काम करेंगे, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज़ कोएर्सिव मेजर्स, मतलब वैसे मेजर्स जैसे कि सॉर्ट ऑफ आप वॉर बोल सकते हो कि वॉर वगैरह करना, बॉयकॉट वगैरह कर देना, सैंक्शंस वगैरह करना, ये सारी चीज़ों का भी यूज़ होता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेजर्स वगैरह डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज़ कैसे है कि वो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पावर। अब बैलेंस ऑफ पावर का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। अगर आप IR की बात करते हो तो IR में BOP, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पावर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल पावर है जो सारे नेशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इस बिलीव के साथ कि किसी भी स्टेट को डोमिनेट नहीं किया जा रहा है या थ्रेटन नहीं किया जा रहा है दूसरे के थ्रू, मतलब क्योंकि सबके पास इक्वल पावर है तो कोई एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगा, थ्रेटन नहीं करेगा, धमकी नहीं देगा, ठीक है। अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है तो इसलिए हर स्टेट के पास इक्वल पावर होनी चाहिए कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। मेरे को हंसी आई, डेट वॉज माई पर्सनल थिंग, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा उसका।
देन हम आ जाते हैं इसके नेचर पे। तो सबसे पहला जो नेचर है बैलेंस ऑफ पावर का, वो है टेम्पररी और अनस्टेबल, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड है और कंट्रीज़ वगैरह कंस्टेंटली चेंज करते हैं अपने अलायंसेस वगैरह की, वो किसके साथ रहना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चेंज करते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे नेचुरल इंटरेस्ट लिख दिया है गलती से, वो नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी नोटिस किया, तो आई एम रियली सॉरी, वो आप चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो अलायंसेस वगैरह होती है उसके साथ चेंज करती रहती है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर। दूसरी चीज़, रिक्वायर्ड एक्टिव इंटरवेंशन। तो जो इनको जो बनाया गया या मेंटेन करना एक्टिवली बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, कि वो एक्टिवली इसमें चेंज करे, उसको मेंटेन करते रहे, ठीक है, तभी वो रहेगी, वरना वो नहीं रह पाएगी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर कि पावर आपको दी गई है, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, वरना वो तो चली जाएगी ना। देन थर्ड पॉइंट इज जो वॉर टेस्ट ऑफ एफिकेसी ऑफ BOP, मतलब ये प्रिवेंट करती है कि वॉर को कैसे, मतलब जो आउटब्रेक ऑफ वॉर है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वॉर को होने से कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। मतलब बैलेंस ऑफ पावर का मेन काम यही है, राइट, कि वॉर को हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर इनकेस वॉर होता है तो BOP टूट जाती है, मतलब ये तो वही बात होगी कि हम तुमको बचाने आए थे लेकिन तुम लोग लड़ लिए तो मैं चला जाऊंगा, भैया मेरा कोई काम नहीं है इसमें, वो वाला सीन है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए इसको शॉर्ट लिव माना जाता है, इसलिए मेरे को हंसी आई थी। एंड नॉट अ डिवाइस ऑफ पीस, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि पीस वगैरह होगी, या जो बड़े पावर्स होते हैं वो मेन प्लेयर्स होते हैं इसमें, ठीक है। जो भी स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है जो क्रिएट करते हैं या मेंटेन करते हैं BOP के, वो कहीं ना कहीं मतलब विक्टिम बनाते छोटे या एलाइड कंट्रीज़ को, ठीक है, या एलाइड पावर्स को। देन उनको मल्टीपल स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स के बीच में एक पावर रिलेशन मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप ये मेंटेन नहीं करोगे तब तक BOP का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इस नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी है किसी भी कंट्री के लिए, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वॉर भी करेगी, ठीक है। और अगर वॉर कर रही है तो BOP टूट जाएगी, तो BOP का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ BOP। देखो, हिस्ट्री ऑफ BOP मेरे को पर्सनली नहीं लगा इम्पॉर्टेंट, और एग्ज़ाम में भी नहीं आते ऐसा कुछ, बट स्टिल अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए चाहिए तो आप बुक से पढ़ लेना। मेरे को ये कंप्लीट करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मतलब चाहिए था कि मैं कंप्लीट कर दूँ, तो इसलिए मैं वो कर रही हूँ। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस कि मैं कुछ पॉइंट्स स्किप कर रही हूँ, ठीक है। हम आ जाते हैं मेथड्स के ऊपर। तो सबसे पहले कंपनसेशन, ठीक है, जो मेथड्स यूज़ होते हैं। तो जो स्टेट होती है वो डिवाइड हो जाती है अगर उनको कंसीडर किया जाता है डेंजरस, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि ये स्टेट मेरे लिए डेंजरस है तो मैं उससे अलग हो जाऊँगी, ठीक है। अब बैलेंस के लिए मेनली जो टेरिटोरियल कंपनसेशन होती है वो प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। एक टेरिटोरियल कंपनसेशन एग्जिस्ट करती है मेनली, एंड देन वो चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाती है, लाइक कैसे करूँ, कैसे बताऊँ। मतलब मेनली अगर कोई भी स्टेट को लगता है कि कुछ भी डेंजरस है बैलेंस ऑफ पावर के लिए कोई भी स्टेट, तो वो अलग हो जाती है, क्योंकि ये मेनली टेरिटोरियल कंपनसेशन के ऊपर बात आ जाएगी, ठीक है। हमारी टेरिटरीज़ के ऊपर वो हार्म हो जाएंगी, इसलिए। नेक्स्ट इज़ अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस। अब इसका मतलब एग्जांपल अगर आप देखो तो कोल्ड वॉर के टाइम में USA ने नाटो क्रिएट किया था, सेंटो क्रिएट किया था, राइट, और सोवियत यूनियन ने क्रिएट किया था वॉर्सो पैक्ट। तो ये चीज़ें मतलब ये जो भी ये है ना, ये अलायंस वगैरह होती है, ग्रुप्स वगैरह बनाई जाती है ताकि आप काउंटर अटैक कर सको, मतलब या तो खुद के मतलब खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में कर रहे हो, या तो अटैक करने के लिए कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन, कि कोई इंटरवेंट कर रहा है किसी के अंदर में, मतलब किसी के इंटरनल मैटर्स में, या नहीं कर रहा है। वो चीज़ें डिवाइड एंड रूल बहुत ज़्यादा चलती है, आपको आइडिया होगा। डिवाइड एंड रूल तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई है कि किसी भी दो गुट को जो एक साथ है उनके बीच में कोई मतभेद क्रिएट कर देना, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें ऐसे बात बोल देना कि उनके बीच में तनाव हो जाए। अब जब तनाव हो रही है तो वो डिवाइड हो जाएंगे और तब आप रूल कर सकते हो उनके ऊपर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ बफर जोन। अब बफर जोन, क्योंकि सारे जो सुपर पावर्स होती है वो कंट्रोल गेन करने की कोशिश करती है अपने बफर जोन्स पे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बफर जोन्स को इसलिए भी इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दो कंट्रीज़ के बीच का जो भी एरिया होता है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड
तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आर्मामेंट्स या डिसआर्मामेंट्स की बात करें तो सिक्योर करने के लिए कंट्रीज़ को वेपन्स वगैरह एक्यूमुलेट करनी पड़ती है, वेपन्स वगैरह अरेंज करनी पड़ती है या फिर बनानी पड़ती है। करंटली आप डिसआर्मामेंट का देखो तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ें बताई गई है कि वो वेपन्स वगैरह को रिड्यूस करें कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि वो बाकी स्टेट्स को डराती है। देन अगर आप बैलेंसर की बात करते हो तो मल्टीपोलैरिटी सिंड्रोम का यूज़ करना, मल्टीपोलैरिटी मतलब जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास पावर्स है, एक कंट्री नहीं है जिनके पास पावर है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन की आप देखो तो वो आप टेक्स्ट से पढ़ लेना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन में नॉर्मली यही सारी चीज़ है कि वो किस तरीके से मतलब बैलेंस ऑफ पावर काम नहीं करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं उस तरीके से कि क्रिटिकली उसको बस एवेलुएट किया गया है कि हाँ बैलेंस ऑफ पावर इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये टूट जाती है, वो सारी चीज़ें है, ठीक है। तो आप पढ़ लेना बुक से इनकेस आपको चाहिए एक्स्ट्रा। तो एंड देन हम आ जाते हैं इज़ BOP स्टिल रेलिवेंट, ठीक है। तो सबसे पहला अभी क्योंकि बहुत सारे पावर्स आ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे मेजर पावर्स आ चुके हैं, तो BOP का रेलिवेंट होना कहीं ना कहीं नहीं पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी पॉइंट अगर आप देखें तो जो एंड है हमारी कॉलोनियलिज्म का उसकी वजह से बहुत सारी डिक्लाइन भी आई है, ठीक है, कि बहुत चीज़ों में बहुत डिक्लाइन आई है। इवन आप बैलेंसर्स की बात करते हो तो वो डिसअपियर हो चुके हैं, जो प्लोरीफरेशन होती है न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब वो कहीं ना कहीं ड्रेडफुल सिचुएशन में आ चुकी है। आपकी जो इमरजेंस होती है UN की, ठीक है, या अदर एक्टर्स की अगर आप बात करते हो जो भी इंटरनेशनल एक्टर्स है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि वो डिफ्यूज़ कर सके टेंशंस को और पीस वगैरह प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो BOP की कहीं ना कहीं रेलिवेंस या एग्जिस्टेंस नहीं है, बहुत सारी नई एक्टर्स नई पावर्स आ चुकी है, बहुत सारी सुप्रीमेसी आ चुकी है मेजर पावर्स की, तो इसलिए दिस इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेशनल की बात करो तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल से शिफ्ट होके ये एक रीजनल एरिया में आ चुका है कि रीजनल एरिया वाइज भी बहुत सारे स्टेट्स हैं तो बहुत पावरफुल हैं। हम बात करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी की, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की डेफिनेशन है कि एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जहाँ पर पॉलिटिकल रीजनल या ग्लोबल एरिया में ना जहाँ पर स्टेट जो एक्सेप्ट करती है सिक्योरिटी कि एक स्टेट का सिक्योरिटी बाकी स्टेट्स की सिक्योरिटी है, एक स्टेट अगर सिक्योर होती है तो बाकी भी सिक्योर रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जो स्टेट होती है वो ग्रुप वाइज में कोऑपरेट करती है एक दूसरे के साथ ताकि वो एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, थ्रेट ना करे या पीस को ब्रीच ना करे, मतलब पीस को ख़त्म ना करे, ठीक है। चीफ फैक्टर्स अगर मेन फैक्टर्स की आप बात करते हो तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है पावर मैनेजमेंट की, अगर कोऑपरेशन की आप बात करते हो ये एक्नॉलेज करता है कि यूनिवर्सलिटी है हमारे, एग्रेशन वगैरह नहीं है ज़्यादा, एक यूनिवर्सलिटी मेंटेन करके रखते हैं। नेशंस वगैरह की कमिटमेंट होती है एंड कि हम मतलब एग्रेशन वगैरह को ख़त्म करें, एक दूसरे पर अटैक ना करें। देन ये वॉर को भी प्रिवेंट करते हैं क्योंकि अगर वो कोऑपरेट कर रहे हैं तो वॉर नहीं होंगे, राइट। देन वॉर क्योंकि एक एनिमी की तरह है, स्टेट नहीं है, ऐसा इनका मानना है कि वॉर हमारी सबसे बड़ी एनिमी होती है, स्टेट हमारी एनिमी नहीं है, ठीक है। देन UN कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो आर्टिकल्स का डिटेल्स है वो भी टेक्स्ट में, आप ये बोलोगे ना कि इस मतलब इस वाले चैप्टर में मैं बहुत सारे टेक्स्ट में बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ जो चीज़ें मैं टेक्स्ट में बोल रही हूँ ना वो नॉट सो इम्पॉर्टेंट वाली है, या फिर वो चीज़ें मैंने बाकी पॉइंट्स में ना कहीं वो चीज़ें आ चुकी है एक्सप्लेनेशन में तो आपको नहीं लगेंगे वो चीज़ें। आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना है तो बेशक आप पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स की डिटेल्स अभी तक की तो नहीं आई है, बट स्टिल आपको आइडिया चाहिए तो आप पढ़ सकते हो बेशक, ठीक है। मैं गारंटी नहीं ले रही कि नहीं आएगी, बट मुझे नहीं लगा कि उतना इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन करो, और वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए, ठीक है। हम फटाफट आ जाते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन के ऊपर में। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का यूज़ करके हम बहुत सारे जैसे कि नॉवल रीजंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आइडियलिस्टिक मतलब ज़्यादा ही आप ये बोल सकते हो कि अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है नेचर में, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये अज्यूम करती है या मतलब अज्यूम करती है कि ये नेशंस के बीच में अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है इवन एट टाइम जहाँ पे एग्रेशंस वगैरह या सेल्फ डिफेंस की एक्ट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वॉर्स जो होती है वो न्यूट्रल नहीं होती है, ठीक है,
क्योंकि आइडियोलॉजी के बेस पे होती है, इंटरेस्ट के बेस पे होती है, तो न्यूट्रल आप नहीं मान सकते वॉर को कि वॉर न्यूट्रल बेसिस पे हुई है, ठीक है, या पावर की लॉन्गिंग के लेके हुई है। आइडियोलॉजिकल वॉर होती है, इंटरेस्ट को लेके होती है कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इवन अगर आप यूएन की बात करते हो तो वो भी पर्मानेंट जो इंटरनेशनल फोर्स है वो लेक करते हैं, उनके पास कोई भी पर्मानेंट इंटरनेशनल फोर्स नहीं है कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी डिसीजन को इन्फोर्स कर सके प्रॉपरली, ठीक है। तो मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो आइडियोलॉजी है वो तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा अच्छे व्यू से वो लेके आया गया था, बट उसको किस तरीके से इन्फोर्स करना है, वो लागू कैसे करना है ना, वो उसके लिए उनके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं फेल ही है, ठीक है, मतलब आइडियोलॉजी अच्छी है बट फेल है। चलो इसके साथ हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप इसमें आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।